से टेंडर हासिल करने के मामले में एक तरफ एसीबी, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी घोटालेबाजों को लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए। इस बीच सीई जेजेएम दिलीप गौड़ 3 एसीई को नोटिस जारी किए। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर सरकार सख्त, दोषी अधिकारियों पर कड़े एक्शन के निर्देश। रिकॉर्ड गायब करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर जल जीवन मिशन ने घोटालेबाजों की जांच कराई। जल जीवन मिशन के घोटालेबाजों के खिलाफ राज्य सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की है। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन अनियमितताओं के बाद दोषी अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ईसी जेजेएम दिलीप गौड़ ने जिन 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किया उनमें एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा, ललित किशोर करोल, हुकुम चंद वर्मा का नाम शामिल है। नोटिस के जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। अमिताभ शर्मा एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर, हुकुम चंद वर्मा रीजन 1 और ललित करोल एडिशनल चीफ इंजीनियर अरवल को ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें जलदाय प्रशासन ने साफ तौर पर ये लिखा है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट जलदाय प्रशासन को पेश की जाए। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाला मामले में सरकार ने साफ कर दिया है कि अब दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिकॉर्ड गायब करने वाले हों या फिर माप पुस्तिकाएं गायब करने वाले या फिर फर्जी इनवॉइस से भुगतान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जलदाय प्रशासन ने जो रिकॉर्ड तलब किया है उसमें जो रिकॉर्ड गायब किया गया है उसमें वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ साथ टेक्निकल स्वीकृति, डिजाइन ड्राइंग की अप्रूवल, क्यूए प्लान्स, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये दस्तावेज गायब किए हैं उनके खिलाफ 16 CCA के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेजरमेंट बुक रिपोर्ट यानी जिन कार्यों की माप पुस्तिकाएं होती हैं वो माप पुस्तिकाएं लगभग 238 ईडी और एसीबी ने ठेकेदार के ठिकानों से जब्त की। आइए अब आपको समझाते हैं कि जल जीवन मिशन घोटाला आखिर है क्या। जल जीवन मिशन हर घर तक नल से जल पहुंचाने वाली योजना है। इसके कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को और आधा राज्य सरकार को देना था। सबसे पहले सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इसमें घोटाले की बात उठाई। आरोप है कि नियम कायदे तोड़कर गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया। आरोप है कि दोनों कंपनियों ने 900 करोड़ का घोटाला किया। जानकारी के मुताबिक गणपति कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 साल में 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर लिए। घोटाले में पीएचडी के कई अधिकारी शामिल रहे। घोटाले के बारे में किसी को पता न चल सके इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए हैं। आरोप है कि भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन के नाम पर फर्जी लेटर हेड पर वर्क ऑर्डर जारी किए गए। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में एसीबी, ईडी और सीबीआई सभी अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। ईडी इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर उठाने के मामले में पद्मचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसमें अधिकारियों को ठेकेदारों और दूसरे लोगों के जरिए घूस दिए जाने का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। अब इस मामले में सरकार भी एक्टिव हो गई है और आने वाले वक्त में कई आरोपी अधिकारियों पर गाज गिरनी संभव है।
ऐसे में राज्य सरकार अब जल जीवन मिशन महाघोटाले में इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के जो टेंडर जारी किए गए थे इसकी विस्तृत और संपूर्ण जांच करवा सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सैंपल जांच हुई थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। एक तरफ पूरे देश में कोलकाता रेप केस को लेकर आक्रोश है, वहीं एसएमएस अस्पताल से एक रेजिडेंट डॉक्टर को डराने और उसके हैरेसमेंट का मामला सामने आया है। पीड़ित डॉक्टर ने खुद इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट।